हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर 9 है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, DSBSC मॉड्यूलेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बड़े ही डिटेल से डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में, कैसे हम उसको जनरेट करते हैं, कैसे डिमॉड्यूलेट करते हैं, कैसे उसका जो पावर होता है वो साइड बैंड में ट्रांसमिट होता है, कैरियर में ट्रांसमिट होता है। ये सारी चीज़ें हमने बड़े डिटेल से देखी थी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे DSBSC मॉड्यूलेशन के बारे में। जैसा कि इसका नाम डिनोट करता है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपका क्या था, आपके दोनों साइड बैंड तो ट्रांसमिट हो रहे थे, लेकिन उसके साथ आपका जो एडिशनल कैरियर टर्म था उसमें आपका काफ़ी सारा पावर वेस्ट हो रहा था। तो DSBSC मॉड्यूलेशन आपका क्या करेगा, जो एडिशनल कैरियर टर्म था उसको सप्रेस्ड कर देगा। तो इसका नाम है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, मतलब कैरियर को ये सप्रेस्ड कर देगा, केवल जो अपर साइड बैंड है और लोअर साइड बैंड है उनको ही ट्रांसमिट करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं एक मैसेज सिग्नल है हमारे पास MT, जो कि है AM cos 2π FMT। FM आपकी क्या है, मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, जो कि काफ़ी कम है। और CT आपका एक कैरियर सिग्नल है, AC cos 2π FCT। FC क्या है, कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। तो हमें जो DSBSC मॉड्यूलेशन के बाद आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, MT into CT। मतलब सिंपली ये एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है। ये क्या करता है, सिंपली मैसेज सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को जस्ट मल्टीप्लाई करा देगा। तो इसका जो आउटपुट होगा ये मिल जाएगा हमें MT into CT, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का प्रोडक्ट। तो DSBSC का जो आउटपुट है उसको हम लिख सकते हैं MT, और कैरियर सिग्नल को हम लिख सकते हैं AC cos 2π FCT। ये हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। अब इसको हम इसके स्पेक्ट्रम एनालिसिस से भी और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं ये टाइम डोमेन है, ये फ्रिक्वेंसी डोमेन है। तो मैसेज सिग्नल है हमारा MT टाइम डोमेन में, इसको हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म से इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा सिग्नल फ्रिक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, जो कि हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी लिया हुआ था। ये हो जाएगा आपका -FM से लेके +FM तक। ये हमारा एक मैसेज सिग्नल है फ्रिक्वेंसी डोमेन में। अब DSBSC का जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि हमारा मैसेज सिग्नल था। ये देखिए, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा +FC और -FC पे। ये -FC पे आ गया और ये +FC पे आ गया। लेकिन इसमें DSBSC में और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डिफरेंस ये था कि जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख रहे थे तो हमारे पास एक एडिशनल कैरियर था और इसकी जो वैल्यू थी वो हो जाती थी AC/2। तो वहाँ पे जो हमारा ट्रांसमीटर का पावर था वो काफ़ी सारा वेस्ट हो रहा था। लेकिन DSBSC में यहाँ पे कोई भी एडिशनल कैरियर टर्म नहीं है, केवल साइड बैंड है आपके पास, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। जैसे कि ये आपका हो जाएगा अपर साइड बैंड, ये हो जाएगा आपका लोअर साइड बैंड, ये हो जाएगा लोअर साइड बैंड और ये हो जाएगा अपर साइड बैंड। कोई भी एडिशनल कैरियर फ्रिक्वेंसी का टर्म यहाँ पे नहीं है, तो कैरियर में आपका कोई भी पावर वेस्ट नहीं होगा। तो DSBSC में आपका जो पावर है वो सेव हो जाता है कंपेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बैंडविड्थ की बात करेंगे तो बैंडविड्थ आपकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, FC+FM, और लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, FC-FM। तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो हो जाएगी 2FM। तो अगर हम बैंडविड्थ से कंपेयर करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, तो बैंडविड्थ उसमें भी 2FM थी और DSBSC में भी 2FM है। लेकिन अगर हम पावर को कंपेयर करें तो DSBSC में पावर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में कम वेस्ट होती है। तो यहाँ पर बैंडविड्थ हमने इसकी निकाली है 2FM। अब यहाँ पर देखिए, जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ थी वो कितनी थी, FM-0 यानी FM थी। मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ FM थी और DSBSC सिग्नल की बैंडविड्थ 2FM है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ, मतलब मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के डबल बैंडविड्थ की हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको हम और डिटेल से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम इसको दो टाइप से डिस्कस करने वाले हैं। दो टाइप का मॉड्यूलेशन है, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन और मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में क्या होता है, आपका जो मैसेज सिग्नल है उसमें केवल एक ही फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होता है,
और मल्टीटोन मॉड्यूलेशन में आपके अलग अलग फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन की हेल्प से, इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे और इसका पावर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना मैसेज सिग्नल एक साइनसोडल सिग्नल एज्यूम कर लेते हैं। मैसेज सिग्नल हमारे पास हो जाएगा AM cos 2π FMT और कैरियर सिग्नल हमारे पास था AC cos 2π FCT। अब DSBSC आपका क्या करता है, सिंपली मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करा देता है। तो ये हो जाएगा ACMT cos 2π FCT और ये हम लिख सकते हैं AC into AM cos 2π FCT into cos 2π FMT। अब ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम फर्दर और सिंपलीफाई कर सकते हैं cos A into cos B का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो ये हो जाएगा cos A plus B by 2 plus cos A minus B divided by 2। तो इसको हम लिख सकते हैं AC AM by 2 cos 2π FC plus FMT plus AC AM by 2 cos 2π FC minus FMT। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा डबल साइड बेंड सप्रेस्ड कैरियर का। और यहाँ पे इसको आप देख के समझ सकते हैं ये FC प्लस FM है, तो ये हो जाएगा आपका अपर साइड बैंड और ये हो जाएगा आपका लोअर साइड बैंड। इसमें एडिशनल कोई भी कैरियर सिग्नल नहीं है, तो इसमें आपका पावर सेव हो जाता है अगर हम कंपेयर करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। अब इसका हम स्पेक्ट्रम भी प्लॉट कर लेते हैं। इसका स्पेक्ट्रम हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अपर साइड बैंड की, तो ये हो जाएगा आपका FC प्लस FM पे, ये FC प्लस FM पे, और लोअर साइड बैंड हो जाएगा आपका FC माइनस FM पे। ये हम बात कर रहे हैं अभी केवल पॉजिटिव साइड की। वही सेम इसकी मिरर इमेज आ जाएगी आपकी नेगेटिव साइड में। नेगेटिव साइड में आपका क्या हो जाएगा, माइनस FC प्लस FM और ये माइनस FC माइनस FM। तो जस्ट इसको हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रम द्वारा प्लॉट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, AC AM by 4, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये है AC AM by 2, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा AC AM by 4 और नेगेटिव साइड भी AC AM by 4। तो ये सिंगल टोन DSBSC सिग्नल का स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ आपकी हो जाएगी FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM, तो ये हो जाएगी 2 into FM यानी 2 into मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो ये बैंडविड्थ हो जाएगी इसकी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी पावर कैलकुलेशन की, तो आपका जो टोटल पावर है वो पूरा साइड बैंड में ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पे आपका जो टोटल पावर है वो कैरियर में वेस्ट नहीं हो रहा है। तो साइड बैंड में आपका अपर साइड बैंड है और लोअर साइड बैंड है। अगर हम इसके पावर की बात करें तो अपर साइड बैंड की पावर हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखिए ये अपर साइड बैंड है, तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो AC AM डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर हम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर AM स्क्वायर डिवाइड बाई 8R। अब अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनके एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो जो पावर आपकी अपर साइड बैंड की होगी वही लोअर साइड बैंड की भी पावर होगी। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की पावर हो जाएगी AC स्क्वायर AM स्क्वायर डिवाइड बाई 8R। ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस में यूज होंगे आपके, तो आप इनको ये ध्यान से देखते चलिए और नोट करते चलिए। अब टोटल पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे अपर साइड बैंड की पावर और लोअर साइड बैंड की पावर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास AC स्क्वायर AM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R। ये हो जाएगा फाइनली टोटल पावर आपके पास DSBSC मॉड्यूलेशन के बाद। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन इफिशियंसी की, तो मॉड्यूलेशन इफिशियंसी आपकी क्या होती है, टोटल पावर में से कितना पावर आपका साइड बैंड में ट्रांसमिट हो रहा है। तो DSBSC में तो आपका जो टोटल पावर था वो पूरा का पूरा साइड बैंड में ट्रांसमिट हो रहा है, तो मॉड्यूलेशन इफिशियंसी यहाँ हो जाएगी 1, यानी कि मॉड्यूलेशन इफिशियंसी आपकी हो जाएगी 100%। मतलब 100% जो आपका ट्रांसमिट पावर है वो साइड बैंड्स में ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड और मॉड्यूलेशन इफिशियंसी के बारे में। ये तो हमने बात की थी अभी सिंगल टोन मॉड्यूलेशन की। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में क्या होगा। मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, जैसा कि इसका नाम यहाँ पर डिनोट करता है, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन मतलब एक से ज्यादा फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आपके प्रेजेंट होंगे यहाँ पे मैसेज सिग्नल में। तो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में हम मैसेज सिग्नल मानते हैं MT, ये हो जाएगा आपका AM1 cos 2π FM1T प्लस AM2 cos 2π FM2T और DSBSC मॉड्यूलेशन का जो आउटपुट है वो हो जाएगा AC into MT cos 2π FCT।
अब MT हमारे पास ये है जिसमें दो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं FM1 और FM2, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। तो DSBSC का जो आउटपुट है वो हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो AC AM1 cos 2 pi FM1T into cos 2 pi FCT, और ये बचेगा AC AM2 cos 2 pi FM2T cos 2 pi FCT। अब यहाँ पे देखिए आप, DSBSC का जो आउटपुट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको और सिंपलीफाई करके cos A into cos B, और यहाँ पे भी cos A into cos B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास AC AM1 divide by 2 cos 2 pi FC plus FM1T plus AC AM1 divide by 2 cos 2 pi FC minus FM1T। यहाँ पे हमने cos A into cos B का फॉर्मूला अप्लाई किया, वही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया है इन दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका AC AM2 divide by 2 cos 2 pi FC plus FM2T प्लस AC AM2 डिवाइड बाई 2 cos 2 pi FC माइनस FM2T। ये हमारे पास DSBSC मॉड्यूलेशन का आउटपुट आ जाएगा। अब इसका हम अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसका स्पेक्ट्रम हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे मल्टीटोन DSBSC मॉड्यूलेशन का। स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो सेकेंड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है FM2 वो ग्रेटर है आपका फर्स्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट FM1 से, तो हमें इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी ग्रेटर है AM1 से। तो DSBSC का जो स्पेक्ट्रम है वो हम कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ये आपका जीरो है, ये आपकी पॉजिटिव साइड है, ये आपकी नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड का बस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर नेगेटिव साइड में भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव साइड प्लॉट नहीं कर रहे हैं, केवल पॉजिटिव साइड ही इसको प्लॉट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इस सिग्नल से हमें इसको ड्रॉ करना है, तो ये हो जाएगा आपका अपर साइड बैंड 1 क्योंकि यहाँ पे FM1 है, और ये हो जाएगा आपका लोअर साइड बैंड 1, ये अपर साइड बैंड 1, और ये हो जाएगा आपका अपर साइड बैंड 2, और ये हो जाएगा आपका लोअर साइड बैंड 2। तो दो अपर साइड बैंड है और दो लोअर साइड बैंड है। तो ये देखिए आपका, हमने फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मानी है FM2 आपकी ग्रेटर है FM1 से, तो यहाँ पे जो अपर साइड बैंड होगा वो FM2 के लिए ये होगा FC प्लस FM2, अपर साइड बैंड 1 हो जाएगा आपका FC प्लस FM1, और लोअर साइड बैंड की बात करें तो ये हो जाएगा FC माइनस FM1, और ये FC माइनस FM2। ये इसलिए है क्योंकि हमने FM2 को यहाँ पे FM1 से ग्रेटर माना है, और यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड में भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये हो जाएगा आपके अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड 2 का एम्पलीट्यूड, और ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड 1 का एम्पलीट्यूड। तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड कितना, AC AM2 डिवाइड बाई 4 और ये AC AM1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका कितना था यहाँ पे AC AM1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 से और डिवाइड। अब यहाँ पे इसकी अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो इसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, तो FC प्लस FM2 माइनस FC माइनस FM2, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 2 इंटू FM2। ये हो जाएगी आपकी मल्टीटोन मॉड्यूलेशन DSBSC सिग्नल की बैंडविड्थ, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल। यहाँ पे हमने FM1 और FM2 में FM2 को ग्रेटर माना है, तो ये हो रहा है आपका 2 इंटू FM2। अगर इससे भी ज़्यादा हमारे पास मान के चलिए एक और फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है FM3, तो बैंडविड्थ आपकी कितनी हो जाती, 2 इंटू FM3, मतलब जो भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा मैसेज सिग्नल में उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बैंडविड्थ आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके हम पावर के फॉर्मूलेज भी देख लेते हैं, है एज इट इज सेम जैसे कि हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए भी डिस्कस किए थे। टोटल पावर आपका ट्रांसमिट हो रहा है साइड बैंड में, और साइड बैंड कौन कौन से हैं आपके, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। अब अपर साइड बैंड भी आपके पास दो हैं, अपर साइड बैंड 1 अपर साइड बैंड 2, और लोअर साइड बैंड भी दो हैं, लोअर साइड बैंड 1 और लोअर साइड बैंड 2। अब यहाँ पे अगर हम अपर साइड बैंड 1 का पावर कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी ये देखिए एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये बचेगा आपके पास AC AM1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा AC² AM1² डिवाइड बाई 8R। एम्पलीट्यूड सेम है तो लोअर साइड बैंड 1 का पावर भी इतना हो जाएगा। अब अपर साइड बैंड 2 क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो एज इट इज हमने इसको भी किया है, तो ये हो जाएगा AC² AM2² डिवाइड बाई 8R, यही सेम हो जाएगा लोअर साइड बैंड 2 का भी पावर।
अब टोटल पावर आपके पास हो जाएगी कितनी, ये है अपर साइड बैंड 1 प्लस अपर साइड बैंड 2, लोअर साइड बैंड 1 प्लस लोअर साइड बैंड 2। तो इनको जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर ए एम वन स्क्वायर डिवाइड बाई 4R प्लस ए सी स्क्वायर ए एम टू स्क्वायर डिवाइड बाई 4R। तो टोटल पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4R कॉमन निकाल के, तो ये बचेगा ए एम वन स्क्वायर प्लस ए एम टू स्क्वायर। इसके अलावा अगर हमारे पास और भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते तो यहाँ पे हो जाता आपका ए एम 3 का स्क्वायर प्लस ए एम 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से ये बढ़ता जाता, जितने भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे वो इसमें ऐड होते जाते। तो इस तरीके से आप इसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मल्टीटोन डीएसबीएससी सिग्नल की पावर है, और सिंगल टोन की पावर हमने देखी थी ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R ए एम स्क्वायर। तो दोनों एजिट सेम है, बस इसमें फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट और एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। तो अगर इसमें हम मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी की बात करें तो ईटा हो जाएगा टोटल साइड बैंड पावर डिवाइड बाय टोटल पावर। तो टोटल पावर आपकी ट्रांसमिट हो रही है साइड बैंड पावर में, तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाएगी 1, और परसेंटेज की बात करें तो 100% इसमें मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी होगी। तो ये हमने इसमें पावर कैलकुलेट किया है डीएसबीएससी मॉड्यूलेशन में। तो ये मैंने थोड़ी फास्ट आपको इसलिए बताया है क्योंकि इसका बेसिक्स हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। तो अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के वीडियोस देखिए, उसमें बड़ी डिटेल से हमने इसके पूरे बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ी फास्ट फॉर्म में बताया है आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डीएसबीएससी सिग्नल के जनरेशन की मेथड देखेंगे, जैसे कि बैलेंस मॉड्यूलेटर से और रिंग मॉड्यूलेटर से हम किस तरीके से इसको जनरेट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।